नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार के बहुत सारे मंत्रियों और मीडिया चैनलों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने दिखाया बच्चों को जादू। मीडिया के ऐसी खबर चलाने पर और मोदी सरकार के कई मंत्रियों की चापलूसी पर बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ये भी कोई खबर है। अब पीएम मोदी बच्चों को जादू दिखाएंगे तो क्या ऐसी खबर चलानी चाहिए? वाकई चलानी चाहिए और पीएम मोदी को बच्चों को ऐसे जादू दिखाने चाहिए? मैं तो कहता हूं इससे भी बड़े जादू दिखाना चाहिए। पीएम मोदी ने क्या जादू दिखाया और क्या जादू दिखाना भूल गए, वीडियो में पूरा विश्लेषण करते हैं कि पीएम मोदी को कौन सा जादू दिखाना चाहिए। पहले बात करते हैं क्या जादू दिखाया। ये वीडियो आप देखिए जिसमें झारखंड में पीएम मोदी इन बच्चों से मुलाकात करते हैं और माथे पर सिक्का चिपकाकर जादू दिखाते हैं कि सिक्का कैसे नहीं गिरता। हमने भी बचपन में ये गेम खेला है। उसके बाद पीएम मोदी पीछे हाथ मारते हैं और सिक्का नीचे गिर जाता है, लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद पीएम मोदी बच्चों को भी सिखाते हैं और पीएम मोदी के जादू को लेकर स्मृति ईरानी ने ये वीडियो शेयर किया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये वीडियो शेयर किया और चापलूसी के मैदान में उतर गए और कहा कि बचपन कितना सुहाना और मासूमियत से भरा। वाकई बचपन सुहाना होना चाहिए। पीएम मोदी का ये बहुत प्यारा वीडियो है, इसको लेकर कोई ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मंत्रियों का ऐसा चापलूसी करना वो थोड़ा खरे नहीं उतरता। मंत्रियों को तब वीडियो शेयर करना चाहिए जब पीएम मोदी बच्चों के लिए कोई बड़ा जादू दिखाएं। वो क्या बड़ा जादू हो सकता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये खबर आप देखिए, हेडलाइन पढ़िए। देश में बंद हो गए 50,000 से अधिक सरकारी स्कूल, यूपी में सबसे ज्यादा स्कूलों पर लगा ताला। ये रिपोर्ट है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की। इसके मुताबिक देश में 50,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए और अब भी बंद होने का सिलसिला जारी है। ये 2022 की रिपोर्ट है और अब भी सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकारों में भी बंद हो रहे हैं। तो पीएम मोदी को थोड़ा और जादू दिखाना चाहिए और सरकारी स्कूलों को शानदार उसी तरह बनाना चाहिए जैसे बीजेपी के आजकल कार्यालय बन रहे हैं। एकदम हाईटेक चकाचक कार्यालय बन रहे हैं बीजेपी के, उन पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। तो सरकारी स्कूलों पर जादू मंत्र करके इस तरह की बिल्डिंग पीएम मोदी को बनानी चाहिए ताकि गरीबों के बच्चे भी पढ़ लिख जाएं और इस बात को समझ सकें कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी तो कम से कम नॉलेज होगी तो स्वरोजगार के रास्ते पर जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो इतना जरूर समझ जाएंगे कि कोई भी सरकार हमसे पैसा लेकर इस बात का एहसान नहीं जता सकती कि हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं। कोई सरकार पैसा जनता से लेकर और राशन के थैले पर अपना फोटो छपवाएगी तो पढ़ा लिखा युवा सवाल करेगा कि आप ये पैसा बेवजह खर्च क्यों कर रहे हैं। तो पीएम मोदी को ऐसा कोई जादू मंत्र करके दिखाना चाहिए। अगर ये भी जादू छोटा लगता है पीएम मोदी को तो और बड़ा जादू मैं दिखाता हूं। ये आप नारायण मूर्ति का बयान सुनिए। इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति कहते हैं कि भारत में स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग पर सालाना 83 अरब खर्च होना चाहिए। उसके लिए दुनिया से बेहद काबिल 10,000 रिटायर्ड टीचर बुलाने होंगे। ये नारायण मूर्ति पीएम मोदी को और बड़ा टास्क दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ऐसा कर नहीं सकते। आप उनका एक बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान ने उन्हें बड़ा करने के लिए ही बनाया है, छोटे मोटे काम करने के लिए पीएम मोदी नहीं बने हैं। जरा सुनिए पीएम मोदी का बयान। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। तो बच्चों के भविष्य के लिए पीएम मोदी को ऐसे बड़े बड़े जादू करने चाहिए और फिर उसके बाद स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एस जयशंकर, कितने भी मंत्री पीएम मोदी के वीडियो शेयर करें, ऐसे कारनामों को लेकर उन्हें सलाम करें और हम जैसे पत्रकार भी खबरें बनाएंगे कि पीएम मोदी ने बच्चों के लिए क्या जादू दिखाया है। दोस्तों, क्या पीएम मोदी वाकई इतना बड़ा कोई जादू कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।